हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप बढ़िया होंगे। और मेरे भाई बढ़िया रहना। तो आज फिर से आपके लिए एक नया वीडियो लेके आ चुके। तो आज अपन जो माचिस की तिलजा रहती है उनको बहुत ज़्यादा मात्रा में लिया है और उसे गर्म करके देखते हैं। तो देखते हैं कि क्या होता है। और अगर आप ऐसा कुछ करने की सोच रहे हैं भाई तो बिल्कुल मत कीजिए, ये आपके लिए काफ़ी खतरनाक हो सकता है। तो देखते वीडियो में। तो देख सकते हैं दोस्तों कितनी सारी माचिस हमने ले चुकी है। ये बहुत ज़्यादा मात्रा में माचिस है। अब इसका करने वाले पूरा एक एक काड़ी को बाहर। और ये देखिए हमने ये जलाया कढ़ाई में आग, और आग भी अच्छी खासी लगा दी है। तो देखते हैं इसको अकेला अकेला जला के तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो देखते हैं वीडियो में। देखिए दोस्तों कितनी सारी हमने माचिस इकट्ठी कर ली है, उनको पूरी तरह से खोल रहे हैं अपन। देखिए दोस्तों पूरी हमने इकट्ठी कर चुकी है और ये काफी ज्यादा हो गई है। देख सक रहे हैं आप किस्ती सारी हो चुकी है ये। अब इसको हम डालने वाले कढ़ाई में। तो देखते कढ़ाई में डाल के इसको ये हमने डाल दिया कढ़ाई में। अब इसमें लगाने वाले आग अच्छी खासी। देखिए दोस्तों किस तरीके से इस माचिस से एकदम धुआं निकलने जा रहा है और पूरी माचिस फटते जा रही है। और देखिए फाइनली इसने आग पकड़ ली है और एक काफी खतरनाक लग रही है। तो इसको देखते हैं खोर के। देखिए दोस्तों पूरी माचिस ने जलना स्टार्ट कर दिया है। देखिए दोस्तों कितना मजेदार दिख रहा है ये। और एक साथ पूरी माचिस से जलना स्टार्ट हो चुकी है। कुछ ही देर में पूरी माचिस से जल के राख हो जाएगी। दोस्तों इसको लकड़ी से देखते खोर के। देखिए एक साइड की तो फाइनली पूरी जल चुकी है और जैसे जैसे हम इसे खोलते जा रहे हैं ये और जलना स्टार्ट होते ही जा रही है। माचिस की तिल्लियाँ काफ़ी ज़्यादा संख्या में है इसलिए इसे जलने में भी काफ़ी टाइम लग रहा है। देख पा रहे दोस्तों कितना ही शानदार लग रही है ये। और जो धुआं दिख रहा है वो भी काफ़ी खतरनाक सा दिख रहा है। देखिए दोस्तों तिल्लियाँ के पूरे जलने के बाद कुछ इस तरह से हो चुका है और बचा है सिर्फ कोयला। पर फिर भी इसमें थोड़ी थोड़ी आग अभी भी दिख रही है। तो आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए तो चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।